नमस्कार विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा में चित्रकला विभाग में आप सभी का स्वागत है। प्रथम वर्ष चित्रकला में प्रवेशित सभी विद्यार्थी एक नए जीवन के एक नए शिक्षा के पड़ाव पर आए हैं और स्कूली शिक्षा के आगे ये महाविद्यालय शिक्षा है, उच्च शिक्षा जिसे कहते हैं, उसमें आप एक नई दिशा नई दशा में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, चित्रकला के समस्त विद्यार्थियों का मेरे विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जिन विद्यार्थियों की 12th में 12वीं कक्षा में चित्रकला विषय रहा है, उनको कुछ मूलभूत जानकारियां तो पहले होगी कि चित्रकला विषय में क्या क्या नई चीजें होती है, नई व्यवस्थाएं होती है और क्या उनके संसाधन होते हैं, कैसे चित्रकला का अध्ययन होता है, तो कुछ बेसिक जानकारी तो उनको पहले से है। अब जो विषय जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट ईयर में चित्रकला से पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं नए विषय के अंतर्गत, तो उन विद्यार्थियों को हिचकिचाने की कदापि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन कोई नई कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो पिछली कक्षा से आगे कुछ नई कक्षा में कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आपकी पूरे पाठ्यक्रम आपके पूरे पढ़ने का मामला ही चेंज हो गया है, स्टेटस ही चेंज हो गया है, स्टाइल ही चेंज हो गई है। पहले स्कूली शिक्षा में पहले आप स्कूल में जब बेल बजती थी, फर्स्ट बेल, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, तो बेल बजती थी टन टन ऐसे, तो आपको पढ़ाने के लिए आपके शिक्षक महानुभाव आते थे और आपको क्लास पढ़ाते थे, आपको एक ही कक्षा में बैठना होता था अधिकांशतः। महाविद्यालय शिक्षा में ऐसा नहीं है। महाविद्यालय शिक्षा में जैसे ही बेल बजती है या जैसे ही पीरियड एक पीरियड खत्म होता है, तो आपको उठकर दूसरे विषय के अध्यापक प्राध्यापक सहायक आचार्य के कक्ष में जाना होता है और अधिकांशतः दूसरी कक्षा में ही जाना होता है, तो आपके पास अध्यापक सहायक प्राचार्य पढ़ाने आता है, तो ये एक मोटा चेंज ये भी है। आपको स्कूल में पकड़ पकड़ के क्लासेस में बिठाते हैं, अरे चलो पीटीआई बिठाते हैं, प्रिंसिपल साहब बिठाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा हेड एंड फास्ट नहीं, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्वेच्छा जो है, स्वेच्छा से आपको अध्ययन करना चाहिए। बार बार आप बड़े हो गए हो, आप समझदार, समझ आपकी विकसित हो गई है, तो आपको स्वतः ही आपके टाइम टेबल के अनुसार आपके संबंधित विषय के कालांश में आपको पीरियड में आपको जाना अति आवश्यक है। क्योंकि ये कोरोना काल है, आपके पास शिक्षा अर्जित करने का समय काफ़ी कम रह गया है, तो आपको हो सकता है कि ई लेक्चर से ही पूरा सेशन निकालना पड़े, या आपको क्लासेस की अनुमति मिल जाए तो आप उससे पढ़े, तो आप भविष्य के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोरोना काल है, राज्य सरकार के क्या निर्देश हैं उन निर्देशों की पालना हमें अक्षरशः करनी है। तो चित्रकला विभाग में आपका कुल मिलाकर स्वागत है और आप अच्छे मन से, अच्छे विवेक से, स्वच्छ मन से
आप इन क्लासेस को, चित्रकला की क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड करें। इन ई लेक्चर जहाँ तक पॉसिबल कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक इन ई लेक्चर्स के माध्यम से आप अध्ययन करें, और किसी को किसी प्रकार की कोई विषय संबंधी कोई समस्या है कि मेरे चित्रकला पहले था अभी नहीं है, पहले नहीं था अभी है, ऐसा कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो मैं बेसिक जानकारियाँ मैं आपको निश्चित रूप से अच्छे तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और चित्रकला बहुत अच्छा विषय है, आत्मा का विषय है, मन का विषय है, और सहज प्रवृत्तियों को उभारने का विषय है। तो आपको निरंतर इन वी लेक्चर्स में अभी इनको जोड़ते रहना है, और महाविद्यालय शिक्षा में आपको कुछ उच्च शिक्षा से संबंधित, उच्च पढ़ाई के संबंधित, कुछ पढ़ाई के अतिरिक्त सांस्कृतिक सारी गतिविधियों से आपको रूबरू होना है। और चूंकि आप चित्रकला के विद्यार्थी हैं तो आपको महाविद्यालय के हर सृजनात्मक और हर क्रियात्मक कार्य में आपका योगदान बहुत अपेक्षित है, और अपन सभी मिलके काम करेंगे। मैं आपको अच्छे से अच्छे निर्देश अनुसार आपको अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रेरित करूँगा, और आइडियाज़ में देता रहूँगा। कार्य आपको करना है, चूँकि आप चित्रकला विषय लिया है तो सृजन करना और क्रियाशील रहना और अच्छे सहज सृजन करना ये आपके इन प्रथम वर्ष कला का उद्देश्य होना चाहिए। और क्यों, चूँकि आपने कला में अध्ययन लेने के लिए, पढ़ने के लिए आपने एडमिशन लिया है, प्रवेश लिया है, तो आपको इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है, और बिल्कुल स्वच्छंद मन से आप इसको पढ़ें। और किसी प्रकार की कोई झिझक हो, किसी प्रकार की कोई शंका हो चित्रकला विषय के प्रति या कोई सृजन के प्रति, चित्रकला के साथ साथ अपन आचार और विचारों का भी अध्ययन करेंगे, कैसे आत्मनिष्ठता क्या होती है, विचारशीलता क्या होती है, कला क्या होती है। तो आपके ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट पेपर है स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ वस्तु चित्रण। आपके सामने वस्तु रख दी जाएगी, तीन वस्तुएं कम से कम होगी, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, तो आपके सामने वो रख दी जाएगी निर्जीव वस्तुएं। उनको आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेंसिल से शेडिंग करना है, कलर भी करना है, कोई पेंसिल से शेडिंग वाली बनेगी, कोई कलर के शेडिंग वाली बनेगी। इसमें लाइट एंड शेड का ध्यान रखना है, लाइट एंड शेड में पेंसिल से आपको लाइट एंड शेड शो करना है, कलर से अपनों को लाइट एंड शेड शो करना है। ये आपको स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ वस्तु चित्रण करना है, जिसमें कप, प्लेट, किताब, ट्रे, जग, मग, बोतल वगैरह, एक्स वाई जेड, जो भी अपन नियमित अभ्यास करेंगे ये आपको करना है। और कैसे करेंगे, जिनके पहले ड्राइंग थी और जिनके नहीं थी, उन दोनों के लिए मेरी जो पढ़ाने की विधा है वो आपके लिए सभी के लिए समान रहेगी, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारहवीं में ड्राइंग थी या चित्रकला थी या नहीं थी। अपन इजी गोइंग पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी को बराबर समझ में भी आएगा, अच्छे तरीके से आप पढ़ भी पाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है, ये आपका एग्ज़ाम इसका 5 घंटे का होगा, जो आप निरंतर अभी इन ई लेक्चर्स के माध्यम से या क्लासेस में पढ़ेंगे, 5 घंटे का इसका पेपर होगा, और अधिकतम मार्क्स इसके 90 होंगे। तो ये आपको फर्स्ट पेपर है आपका। सेकंड पेपर है बेसिक फाउंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, कला के मूलभूत तत्व क्या है उनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। ये आपका थ्योरी पेपर है, और ये आपके 3 घंटे का जो सामान्य एग्जामिनेशन होते हैं 3 घंटे के, वो 3 घंटे का है ये, और 80 नंबर का है। और आपको इस बेसिक फंडामेंटल और ऑफ आर्ट्स में आपको कला की परिभाषाएं क्या क्या है, कला के अर्थ क्या क्या हैं, कलाओं का वर्गीकरण क्या क्या होता है, कला के जीवन में कला का महत्व क्या होता है, प्रदर्शनकारी कलाएं क्या होती है और ललित कलाएं क्या होती है, और आर्किटेक्चर, म्यूजिक, नृत्य कला और नाट्य कला, इन सभी के बारे में कुछ बेसिक्स में बताने का प्रयास करूँगा, और अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और इसको बहुत सहज रूप से आपको अध्ययन करना चाहिए, और किसी प्रकार की मैं समस्या आने नहीं दूंगा, मेरी कोशिश ये रहेगी। इसके अतिरिक्त आपको अलग अलग कला शैलियों के बारे में भी पढ़ना है थ्योरी पेपर में, सेकेंड पेपर में,
जिसमें ट्राइबल आर्ट, फोक आर्ट, क्लासिकल आर्ट, मॉडर्न आर्ट के बारे में भी हम अपन अध्ययन करेंगे। क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है, सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ क्या क्या होती है, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन और इमेजिनेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे अपन। कला के मूल तत्व क्या होते हैं, लाइन, रेखा, रंग रूप, तानपुर, तंत्राल, इनके बारे में पढ़ेंगे। रेखाएं कितने प्रकार की होती है, उनका क्या महत्व होता है, रूप कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, टोन क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, स्पेस क्या होता है, किस स्पेस का महत्व किस प्रकार होता है, इसको अपन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ सामंजस्य, मतलब संयोजन करने के क्या क्या सिद्धांत रहेंगे, संयोजन कैसे होता है, कैसे संयोजन को बनाया जाता है, हार्मोनी क्या होती है, सामंजस्य क्या होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं, रिदम क्या होता है, प्रीपोर्शन क्या होता है, इन सभी को अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। और प्रस्पेक्टिव पढ़ेंगे अपन, क्लासिफिकेशन प्रस्पेक्टिव, लीनर प्रस्पेक्टिव क्या होता है, एरियल प्रस्पेक्टिव क्या होता है, रेखीय परिप्रेक्ष्य मतलब क्या होता है, तो उसको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। रेंडरिंग क्या होता है और ड्राइंग क्या होता है, रेंडरिंग क्या होता है, इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट एक सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन और कला के षडांग क्या होते हैं, इन सब का अपन पढ़ेंगे। तो कोई घबराने जैसी बात नहीं है, आपको इजी गोइंग, आपको उदाहरणों के माध्यम से मैं पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बस मेरी एक शर्त है कि जब तक कॉलेज नहीं खुले तब तक आप इन्हीं व्याख्यानों से जुड़े रहें, तो निसंदेह आपको किसी प्रकार की चित्रकला विषय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपको प्रत्येक मेरे ई लेक्चर को प्रत्येक दिन, जो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक दिन हर दिन इस चित्रकला विषय में आपको ई लेक्चर और पीडीएफ नोट्स, जो ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, और कोई नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उनको जोड़ने के लिए कहें और जुड़ने के लिए कहें, या उनको आप अपने जो पीडीएफ नोट्स हैं वो शेयर करें, आपके जो ई लेक्चर्स हैं वो शेयर करें, तो निश्चित रूप से आपकी इस चित्रकला लेने का जो मंशा है, जो महत्वता है, जो आपका उद्देश्य है, वो मैं इस ई लेक्चर, जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक मैं कोशिश पूरी मेरी पूरी लगन के साथ में, मेहनत के साथ में, आपके साथ में मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक और थर्ड पेपर है, वो है आउटडोर स्टडी, जो आपको निर्जीव वस्तु है, जो आपको घर के आसपास दिखती है, कप प्लेट और आपके घर के अंदर दिखती है, रिमोट, टीवी, टेबल, कुर्सी, पलंग, जो भी दिखता है उसको आपको ड्रॉ करना है। ये 100 से 150 स्केचेस A4 साइज कागज पे आप बनाने हैं, तो वो 100 से 150 के बीच में आपको स्केचिंग बनानी है। एक नहीं बनेगा कोई बात नहीं, उसमें भी घबराने जैसी आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ आपको ई लेक्चर्स बताऊंगा जिसमें आपको कैसे ड्राइंग करना है, कैसे बनाना है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको, तो आपको एक रुचि के साथ में इन विषयों से जुड़ा रहना है, एक रुचि के साथ में इसको आत्मसात करना है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक ये ई लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझ में आ सके और आप इसको बहुत एंटरटेनमेंट के साथ, एक मनोरंजन प्रवृत्ति के साथ में, मनोरंजन सहज वृत्ति के साथ में आप इसको समझने का प्रयास करें। और ये जो सबमिशन आउटडोर स्टडी जो है वो 30 मार्क्स की है, आपको वो आपको सबमिशन जमा कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपका परिणाम, परीक्षा परिणाम जो है वो रोक दिया जाएगा, उसमें आप फेल माने जाएंगे। इसलिए आप उसको, इसको, इसकी जो फाइल है वो आपके 5 स्टिल लाइफ कलर और 2 स्टिल लाइफ पेंसिल से आपको आपको हाफ इंपीरियल साइज पे पेंसिल से और कलर से, 5 कलर से बने होंगे, 2 पेंसिल से, हाफ इंपीरियल ड्राइंग शीट पे आपको पेंसिलों के माध्यम से बताने हैं, रंगों के माध्यम से, और 100 से 150 के बीच में आपको स्केचिंग करनी है। क्योंकि आप लगभग जितने भी विद्यार्थी हैं तो लगभग उनके बीच में ड्राइंग रही होगी, नहीं भी रही, तो आपको इस संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से इन ई लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा और आपको बहुत अच्छी रुचि लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा एक चित्रकला विषय, और अपनों को महाविद्यालय के हर सृजन कार्य में, हर कार्य में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अपन बहुत मजे के साथ में इस विषय को आत्मसात करेंगे। यह मेरा पहला ई लेक्चर है, तो आप अधिक से अधिक इन ई लेक्चर से जुड़े रहें, आने वाले ई लेक्चर जब भी हो तो उनसे जुड़े रहें, पीडीएफ नोट्स से जुड़े रहें, तो निस्संदेह अपन बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मेरी पूरी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि आप मेरे ई लेक्चर्स देखें, उनको समझने का प्रयास करें। प्रत्येक ई लेक्चर के प्रति मैं बहुत मेहनत करके आपसे प्रयास करूंगा कि आप इसको समझाने का प्रयास करूंगा।
कि आप इन मेरी लेक्चर्स को अधिक से अधिक देखें, समझें, सुनें, और कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से मुझे पर्सनली भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। इसी आशा के साथ में प्रिय विद्यार्थियों बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रकला विभाग में। धन्यवाद।